हेलो मिस्टर मंकी, व्हाट्सअप। हे व्हाट्सअप गाइज, नमस्ते सलाम। दोस्तों एज यू नो आई मीन नेपाल, और नेपाल का ब्लॉग चल रहा है मेरा अभी। तो मैं अभी हूँ नेपाल की बहुत ही पुरानी और पवित्र बौद्ध स्तूप में, जिसे स्वयंभू नाथ कहा जाता है। आज यहाँ की ब्लॉग जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही सुंदर जगह है। अगर आप काठमांडू आते हो तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। काठमांडू में आपको कहीं से भी जो है इधर के लिए गाड़ी मिल जाएगा, टैक्सी या बस या माइक्रो छोटा गाड़ी। और तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ, बने रहिए मेरे साथ। बहुत सारे मंकी देखने को मिलेगा आपको यहाँ पर, इसलिए इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। काठमांडू से 3 किलोमीटर पश्चिम में एक पहाड़ी पर स्थित स्वयंभू नेपाल की एक सबसे पवित्र बौद्ध स्तूपों में से एक है। स्वयंभू का शाब्दिक अर्थ है स्व अस्तित्व वाला, अर्थात स्वयं में निर्भर रहना। बाप रे बाप, इतना ऊपर है भाई। ऐसा माना जाता है कि यह अनायास से विकसित हो गया था, जब घाटी को 2000 साल से भी अधिक पहले एक आदिम झील से बनाया गया था। ये जो विशाल वज्र आप देख रहे हो, ये सोने का मढ़वाया वज्र है, सोने का बनाया हुआ है ये। बड़ा बेल कौन बजाएगा भाई, इतना बड़ा बेल, ये बेल कौन बजाएगा इतना बड़ा बेल, बाप रे बाप। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने पर भगवान बुद्ध की समृद्ध इतिहास, संस्कृति और तीर्थयात्रियों के वातावरण से हम मुक्त रहते हैं, और हमें एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। दिस वन इज द मेन स्तूपा ऑफ स्वयंभू, दिस वन द स्वयंभूनाथ। ऐसा माना जाता है कि 460 ईस्वी पूर्व यह राजा मनदेव द्वारा बनाया गया था, और 13वीं शताब्दी तक यह बौद्ध धर्मों का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ये सब ट्रेडिशनल चीज़ें सेल करने के लिए। व्हाट इज दिस, गो अहेड, सॉरी, लेट्स, वाओ। छोटी छोटी देव मंदिर है, दिया जलाया जा रहा है, मौसम। स्तूप के पश्चिम दिशा में बुद्ध की मूर्ति रखी गई है, जैसा कि आप देख सकते हो। पूरा काठमांडू दिखता है यहाँ से। अभी मैं स्वयंभू स्तूप की पूर्व दिशा में हूँ। अगर आप पूर्व दिशा से आते हो तो आपको एक लंबी पैदल यात्रा तय करना होगा स्वयंभू स्तूप का जो मेन गेट है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और बहुत ही लंबी सीढ़ी है, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत नीचे तक है सीढ़ी। बुद्ध के जन्मदिन पर यहाँ सबसे बड़ी भीड़ देखी जाती है, जो आमतौर पर हर साल मई महीने में होता है। बहुत नीचे है यार, उत्तरी उत्तरी ना नीचे।
सो गाइज ये था आज का ब्लॉग। स्वयंभूनाथ टेम्पल, स्वयंभूनाथ स्तूपा जो बहुत ही फेमस है काठमांडू में, बौद्ध स्तूपा है काठमांडू। अगर आते हो तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और तब तक लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते दूसरे ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते, सलाम।